सदा सर्वदा प्रतिबद्ध रहेंगे। मेरा मानना है कि मातृशक्ति यानी कि हमारी माताओं बहनों के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। उत्तराखंड राज्य निर्माण में आपके योगदान को कौन भूल सकता है। हमारी माताओं बहनों ने जो चाहे वो कटिमा का गोलीकांड हो, मसूरी का गोलीकांड हो या रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर का कांड हो, हम सबके जहन में हमेशा वो रहता है कि हमारी माताओं बहनों की बड़ी कुर्बानी की बदौलत हमको ये राज्य प्राप्त हुआ था। भाइयों बहनों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर बेटी बुआरी कौतिक के तहत जनपद में 415 करोड़ की कुल 160 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। ये सभी परियोजनाएं उत्तराखंड को श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमारे टिहरी जनपद को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए और हमारे संकल्प को, जो हमने श्रेष्ठ उत्तराखंड का संकल्प लिया है, श्रेष्ठ टिहरी का संकल्प लिया है, उस संकल्प को सिद्ध करने में सहायक होंगी। और हमने कहा था हम जो भी योजनाएं लाएंगे सबके लिए लाएंगे, बिना भेदभाव के लाएंगे, निष्पक्ष तरीके से लाएंगे, क्योंकि हमारी राजनीति का जो आधार है वो केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं है, बल्कि ये लगातार जनता जनार्दन की सेवा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और उसमें भी सबका प्रयास, उनका एक जो मंत्र है, इस मंत्र को धरातल पर उतारने का काम हमारी राज्य की सरकार भी उनके मार्गदर्शन में लगातार कर रही है। कई बार लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा है। वे लोग आज तक देख सकते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है वो उत्तराखंड में हर क्षेत्र में आज विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है, विकास की गंगा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम पहाड़ से लेकर मैदान तक विकास का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता प्रत्येक क्षेत्र का विकास करना है। जब उत्तराखंड के हर क्षेत्र का विकास होगा तभी उत्तराखंड श्रेष्ठ बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत और भारत को दुनिया का सिरमौर बनाना, उसमें हमको भी अपने अपने क्षेत्रों में विकास को आगे बढ़ाकर, राज्य के अंदर हो चाहे वो जिले के अंदर हो या विकास खंडों में हो, ग्राम सभाओं में हो, चाहे पंचायत स्तर पर हो, हर स्तर पर विकास के कामों को आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आज बेटी बुआरी कौतिक में प्रदेश भर की महिला उद्यमियों ने जो यहाँ पर पारंपरिक जो उत्पादों पर आधारित अत्यंत ही सुंदर प्रदर्शनी तथा मनमोहक स्टॉल जो लगाए हैं, बहुत समय काफी लग रहा था लेकिन एक से एक स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि प्रदेश के विकास में हमारी जो मातृशक्ति है यानी कि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनका योगदान किसी से कम नहीं है। और आज के कार्यक्रम में जो स्टॉल लगे हैं वो निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 2047 का विकसित भारत है, विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है, उसको भी परिलक्षित करता है। निश्चित रूप से हमें विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम आज जो भारत के अंदर विकसित संकल्प यात्रा चल रही है उसके माध्यम से भी जो मोदी जी की गारंटी है वो जन जन तक पहुंच रही है। भाइयों बहनों, हमारा देश महिला विकास से आगे बढ़कर आज महिला नेतृत्व की बात कर रहा है, महिलाओं की लीडरशिप आज हर क्षेत्र में हो रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो देश भर में काम हो रहे हैं वो नए भारत की शानदार तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। आज बदलते हुए भारत में देश की माताओं एवं बहनों के पास आगे बढ़ने के लिए अनेकों अवसर है, एक से एक अवसर है। और मैं
जब भी किसी कार्यक्रम में जाता हूं, मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जब हमारी माताएं बहनें जो अपने अपने समूह के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अच्छे उत्पादों का निर्माण कर रही है, अच्छे उत्पाद उत्पादित कर रही है, और कहीं कहीं पर तो उनके उत्पाद इतने अच्छे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उन कंपनियों को भी फेल करने का काम कर रही हैं, और इन्हीं माताओं बहनों को बाजार मिलना चाहिए, विपणन के रास्ते मिलने चाहिए। जो उत्पाद बनाती हैं वो आसानी से पूरी दुनिया के अंदर जाने चाहिए, उसके लिए अच्छी पैकेजिंग हो, अच्छी उसकी गुणवत्ता हो, वो पूरा ध्यान रखते हुए हमने प्रयास किया है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जब देहरादून आए थे इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में, उस समिट में हाउस ऑफ हिमालया यानी कि हमारे राज्य का एक बॉन्ड बनाकर पूरी दुनिया के अंदर हमने उसको आगे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका शुभारंभ कराया है, और आने वाले समय में एक बड़ा बाजार हमारे राज्य के लिए पूरी दुनिया के अंदर मिलने वाला है। जिस दिन से हमने ये उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों करवाया, उसी दिन से तमाम लोगों की बुकिंग पूरे देश भर से आनी शुरू हो गई है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आज गांव-गांव में हमारी जो मातृशक्ति है, उनके घरों में शौचालय, गैस, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से उनको जोड़ा जा रहा है। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है, पूरी प्राथमिकता से काम कर रही है। आज देश भर में जितने भी स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, उनसे जुड़कर हमारी जो मातृशक्ति है वो आत्मनिर्भर बन रही है, वो आत्मनिर्भर बन रही है, जहां अपना रोजगार कर रही है। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि हमारी माताओं बहनों को जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके बारे में अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा कि 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के देने की व्यवस्था की गई, उन सभी की जानकारी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। हमारी माताएं बहनें जो समाज के अंतिम छोर में रहती हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए, उनके माध्यम से वो जहां अपना रोजगार करेंगी, वहीं अन्य लोगों को भी गांव के, पड़ोस के, जिनके पास काम नहीं है, उनको काम देने का भी काम उनके माध्यम से होगा। आज देश भर में 70 लाख ऐसे स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिससे लगभग 8 करोड़ बहनें इससे जुड़ी हुई हैं। पिछले 6-7 वर्षों के दौरान स्वयं सहायता समूह में 3 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इस क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर अगर किसी के जीवन स्तर को सबसे पहले ऊपर उठाने की बात हुई है, तो हमारी माताओं बहनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात हुई है। उत्तराखंड में भी हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों ने प्रत्येक क्षेत्र में आज अच्छा काम किया है। ये हमारी प्रदर्शनियां भी यहाँ पर इस बात को परिलक्षित कर रही है। महिलाओं में स्वरोजगार का दायरा बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी आज मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए, मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं के जीवन को जितना अधिक से अधिक ऊपर उठाया जा सके, उसके लिए हम लगातार योजनाएं बना रहे हैं, और इस प्रक्रिया के तहत अभी हमने नौकरियों में जो उत्तराखंड की सरकारी नौकरियां हैं उसमें 30% का आरक्षण हमने सुनिश्चित किया है। साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, इसमें 1,25,000 बहनों को हमने लखपति बनाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना,
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी योजना, नंदा गोरा मातृ वंदन योजना और महिला पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की है। निकट भविष्य में भी हमारी मातृशक्ति के लिए और भी जो भी योजना उनके उत्थान के लिए जरूरी होगी उन योजनाओं को भी हम अमल में लाने वाले हैं। हम मातृशक्ति को, हमारी माताओं बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश के विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर, प्रतिबद्ध होकर हमारा काम आगे बढ़ रहा है और यह हमारा जो प्रयास है ये तब तक जारी रहेगा जब तक समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हम विकास की धारा नहीं पहुंचा देते हैं। जब तक विकास अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को विकास से जोड़ना है, विकास की सुविधाएं तक पहुंचानी है, शासन और सरकार की जो सुविधाएं हैं उन तक पहुंचाने का काम करना है। मैंने जब से मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, जब से मेरे को ये दायित्व मैंने संभाला है, मेरा प्रयास रहा है कि जो भी फैसले लिए जाए, जो भी निर्णय लिए जाए, जो भी कदम उठाए जाए वो बिना देरी के उठाए जाए, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। राज्य की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। इसको लेकर आपने देखा होगा जो भी कालखंड बीता, उस कालखंड में हमने अनेकों निर्णय लिए, कई बार स्थितियां चुनौतीपूर्ण रही हैं, उन चुनौतियों पर भी हमने कोशिश की है कि उन चुनौतियों पर भी आप सबके आशीर्वाद से डटकर आगे बढ़ा जाए और अंत में फैसला राज्य के हित में लिया जाए। इसीलिए हमने राज्य के अंदर देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्मांतरण का कानून बनाया। पहली बार प्रदेश में अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए बड़ी संख्या में हजारों एकड़ों की जो जमीन थी उस जमीन को, जो लैंड जिहाद के रूप में लगातार अतिक्रमण से युक्त थी, उसको मुक्त करवाने का काम भी प्रदेश के अंदर किया है। क्योंकि पूरे देश के अंदर लोग देवभूमि को, मूल स्वरूप को देखना चाहते हैं। देवभूमि का मूल स्वरूप बिगड़ना नहीं चाहिए, यह भी हमारा प्रयास है। इसके साथ साथ हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटे हैं। इसके साथ ही हमने महिलाओं का 30% आरक्षण की व्यवस्था भी प्रारंभ कर दी है। हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए जो कमेटी बनाई थी वो कमेटी भी हमारी अपना ड्राफ्ट पूरा कर चुकी है। जल्दी नए साल के अंदर हमको जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा वो ड्राफ्ट के अनुरूप सरकार उस पर भी आगे बढ़ेगी और उस पर भी वह लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हम राज्य के विकास के कल्याण के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज लगातार देश के अंदर वो काम हो रहे हैं जिन कामों के बारे में हमने पहले सोचना भी दूर, करना तो बहुत दूर, सोचना भी बहुत दूर की बात थी। आप सब देख रहे हैं अभी 22 जनवरी को लंबे समय से हमारी मांग थी। हम सब कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को भगवान रामलला अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। पूरे देश के अंदर एक काम है।